नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के विकास भवन के समीप हरियोध कला केंद्र में शनिवार को मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन कर महिलाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि आईजी आजमगढ़, परीक्षक आजमगढ़ और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इससे पूर्व मिशन शक्ति के फेज 4 के विशेष अभियान के शुभारंभ व विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को लखनऊ में मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किए जाने के अवसर पर आजमगढ़ के हरियोध कला केंद्र के सभागार में मुख्यमंत्री द्वारा मिशन शक्ति फेज 4 के लखनऊ के शुभारंभ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि आईजी आजमगढ़, परिषद आजम अखिलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बालिकाओं महिलाओं को सभागार सम्मानित किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम में एडीएम राहुल विश्वकर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीकृष्ण पाल, पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल, सीओ सिटी व स्कूली छात्राएं, विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। आईजी ने बताया कि मिशन शक्ति फेज 4 के विशेष अभियान के तहत जनपद आजमगढ़ के सभी थानों में नियुक्त महिला सीट अधिकारी कर्मचारीगण सहित समस्त थानों पर गठित महिला सुरक्षा विशेष दल एंटी रोमियो टीम द्वारा जन चौपाल लगाकर व बस स्टैंड, बाजार, गांव, कस्बा, स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बालिकाओं महिलाओं से वार्ता कर महिला सुरक्षा संबंधी उपायों के बारे में जागरूक किया जाएगा। शक्ति दीदी अभियान के तहत महिलाओं बालिकाओं को उत्तर प्रदेश सरकार व पुलिस द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं जैसे वुमेन हेल्पलाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 सहित सीयूजी नंबरों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा। महिलाओं एवं बालिकाओं के वार्ता कर उनके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाएगा। आइए सुनते हैं आईजी ने क्या जानकारी। ये जो कार्यक्रम किया गया है इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है सुरक्षा देना, स्वावलंबी बनाना, और इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता फैलेगी। और जो महिलाएं जो अपने घर में दबी कुचली हैं, जो डर डर के रहती हैं, वो इन कार्यक्रम के माध्यम से आगे आएंगी और वो हर क्षेत्र में काम करने की पूरा अपना प्रयास करेंगी। और क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं? संदेश ये देना चाहूँगी कि सरकार हर क्षेत्र में हमारे लिए काम कर रही है और हर महिलाओं को अपने कर्तव्य के साथ साथ अपने अधिकारों को जाने कि हमें क्या क्या अधिकार मिले हैं, उस अधिकार के माध्यम से हम अपना काम करें। देख रहे हैं शिक्षा के माध्यम से हम हर क्षेत्र में जा सकते हैं। अभी चंद्रयान 3 के बारे में भी आपने सुना कि उसमें जो साइंटिस्ट थी मैन, देखा जाए कि मुख्यतः उसमें महिलाओं ने ही काम किया, जो हमारे लिए एक बहुत एक अच्छा बोल सकते हैं कि भविष्य के लिए एक अच्छा क्षेत्र है कि सिर्फ वही महिला है क्या। हमको लगता है कि हर जगह से, चाहे गांव हो या शहर हो, हर जगह से महिला जा सकती हैं और हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सकती हैं। आज मिशन शक्ति का फेज 4 लॉन्च हो रहा है, कल से शारदीय नवरात्रा है, तो इसमें एक प्रोग्राम लॉन्च प्रदेश स्तर पर किया गया है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, उसी का हर जनपद में सजीव प्रसारण देखने को मिला था और उसी के हिसाब से कल हमारे यहाँ प्रोग्राम है। जैसे आज आपने देखा होगा सुबह एक अलग आयोजन था, रैली थी, एक आयोजन था, उसमें सभी हमारी महिला कांस्टेबल वगैरह ने हिस्सा लिया था। अब प्रत्येक दिन ये कोशिश की जाएगी कि हर गांव में महिला जो कांस्टेबल हैं वो सब हैं पहुँचें वहाँ, और जो अन्य विभाग हैं उन सबकी जो जानकारियाँ हैं, जो योजना चल रही हैं उनकी, और जो पुलिस के संबंध में जो अपराध से पे नियंत्रण के लिए अपराध के बारे में और जो जितनी हेल्पलाइन चल रही हैं जो कैसे बचा जाए और अगर कोई हो गया तो उसमें कैसे मदद मिले, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हर गांव में पुलिस पहुंचेगी। उसके लिए प्रोग्राम चलाया गया है, तो नवरात्रा में चलेगा और उसके बाद भी ये निरंतर चलता रहेगा, उसी के लिए आज ये स्टार्टिंग प्रोग्राम।
हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।